तो दोस्तों आज की वीडियो हम बताने वाले हैं कि अगर आपको किसी ने अगर WhatsApp पे ब्लॉक कर दिया तो आप किस प्रकार से अनब्लॉक कर सकते हैं अपने मोबाइल से। तो दोस्तों चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो या फ्रेंड हो या आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार कोई भी हो, तो अगर आपको ब्लॉक कर देता है WhatsApp पे तो आप किस प्रकार से अनब्लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको वहां पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो तो आपको बहुत मिलेगी, लेकिन जो भी वीडियो यानी कि इतनी वीडियो मिल जाएगी आपको कि किसी में क्या बताया गया किसी में क्या बताया रहेगा, तो आप मतलब कि यानी कि इतना कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो दोस्तों जो सब वीडियो रहती है वो फेक वीडियो रहती है, आपको उसमें बताया गया कि आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, तो वहाँ पे आपको इंस्टॉल के लिए बताया गया है। उसके बाद आप उस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करेंगे तो इससे जो आपकी प्राइवेसी होती है वो यानी कि कमजोर हो जाती है, तो आपको उसमें खतरा भी रहता है। आप सभी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं उसके बाद सबको अलाउ करते हैं तो इससे आपका यानी नुकसान होता है, लेकिन आपका काम यानी कि आप उसको अनब्लॉक नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या ये सच में अगर अनब्लॉक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है तो हमारे इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल के आइकन पे क्लिक कर दें। चलते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हो कि इस समय व्हाट्सएप बहुत ही पॉपुलर हो गया, सभी लोग चैटिंग के मामले में हो गया या फोटो वीडियो के यानी सेंड करने में या वीडियो कॉलिंग बात करने में, तो इसमें सभी के पास ही व्हाट्सएप रहता है, चाहे बाकी और कुछ भी ना रहे लेकिन व्हाट्सएप जरूर रहता है। तो दोस्तों इसका अपडेट नया नया आता रहता है। तो पहले था कि पहले इसका जो पुराना वर्जन था पहले इसका अपडेट नहीं आया था, तो उससे यानी कि जो उसका अनब्लॉक है अनब्लॉक किया जा सकता था, लेकिन अभी व्हाट्सएप एक से एक यानी कि अपडेट दे दिया है। तो अभी आप किसी को अगर आप कोई आपको कोई ब्लॉक कर देता है आप उसको अनब्लॉक नहीं कर सकते। लेकिन पहले क्या था कि अगर आप सेटिंग में जाते थे उसके बाद अकाउंट में जाए उसके बाद अपने अकाउंट को यानी कि आप अपना नंबर डाल के अकाउंट को डिलीट कर दीजिए, उसके बाद 4-5 घंटे बाद अगर आप उसी नंबर से फिर से अकाउंट क्रिएट करते थे तो आप कुछ को जो ब्लॉक किया रहता था वो अनब्लॉक हो यानी कि अनब्लॉक हो जाता था। लेकिन दोस्तों अभी ऐसा नहीं है, अगर अभी आप ऐसा करेंगे उसके बाद आप अपना नंबर डाल के अपने अकाउंट को डिलीट कर देंगे उसके बाद फिर से चाहे आप 4 घंटे बाद या महीने बाद या साल भर बाद अगर आप उसी नंबर से अगर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो जो आपको बंदा या कोई लड़की अगर आपको ब्लॉक किया है तो आप उसको अनब्लॉक नहीं कर सकते। दोस्तों इससे क्या होता है, इससे आपका ही नुकसान होगा क्योंकि आपका जो हिस्ट्री होगा चैटिंग हिस्ट्री होगा या फोटो भी मतलब कि कुछ भी होगा जो डाटा होगा वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन आपका यानी कि आप उसको अनब्लॉक नहीं कर पाएंगे। दोस्तों बहुत सी वीडियो में भी बताया जाता है कि आप अपने अकाउंट को डिलीट करिए उसके बाद यानी कि बाहर के नंबर से यानी फोरन के नंबर से इसको आप अकाउंट को क्रिएट करिए तो आप उसको अनब्लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पर ये सब फेक वीडियो है, तो इससे कुछ होता नहीं है, खाली ये सब बताते रहते हैं, इससे आपका नुकसान होगा। हो सके आपका इसको करने से आप कोई एप्लीकेशन फालतू डाउनलोड कर दे उसके बाद आप उसको अलाउ कर जाए तो इससे क्या होता है कि आपका जो डाटा है क्या पता किसी दूसरे के पास चला जाए उसके बाद आपका अकाउंट भी हैक हो सकता है। तो दोस्तों ये सब नहीं करना चाहिए, हमारा तो यही सलाह रहेगा कि आप इस सब वीडियो में मत पढ़िए तो आप किसी को अनब्लॉक नहीं कर सकते हैं। दोस्तों एक एप्लीकेशन मतलब सिस्टम है, एक तरीका है इसको अनब्लॉक करने का। मान लो अगर आप किसी ने अगर आपको ब्लॉक कर दिया है, मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक लड़की को ले लेता हूँ, अगर आप किसी लड़की ने आपको ब्लॉक कर दिया है उसके बाद आपका एक दोस्त है जो उस लड़की को जानता है, तो आप अपने दोस्त से बोलिए कि भाई आप एक ग्रुप क्रिएट कीजिए उसके बाद हमको जोड़िए उस लड़की को जोड़िए। तो दोस्तों इस प्रकार से जब कोई और बंदा जो हमारा दोस्त रहे उस ग्रुप को क्रिएट करेगा तो वहाँ पे हम 3 लोग हो जाएंगे, उसके बाद दोस्तों हम जो भी मैसेज भेजेंगे तो हमारे 3 जन के बीच में रहेगा, उसके बाद हम अपने दोस्त को बोलेंगे भाई तू रिमूव हो जा, उसके बाद जब हमारा दोस्त रिमूव हो जाएगा तो जो लड़की रहेगा और हम रहेंगे तो दोनों में आपस में बात हो सकती है। दोस्तों इस प्रकार से हम यानी कि अनब्लॉक कर सकते हैं, तो यानी कि हम अपने चैटिंग है जो फोटो वीडियो कुछ भी है वीडियो कॉलिंग है हर चीज अभी हम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से एक ही तरीका है जिसके जरिए से हम अनब्लॉक हो सकते हैं यानी कि बात कर सकते हैं। दोस्तों और दूसरा तरीका नहीं है, तो आप लोग इस यानी कि फालतू की वीडियो से परेशान मत होइए। तो दोस्तों यही था हमारा सलाह, तो आज हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।